सो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम लोग जानेंगे, देख लीजिए गाइस, हमारे पास जो है जियो का F220B मॉडल नंबर है, देख लीजिए गाइस, जो कि इसमें सिम डालने के बाद भी जो हमारा सिम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए गाइस, इसमें सिम डाला हुआ है फिर भी जो वहाँ पर सिम जो है सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस, इसी प्रकार का जो समस्या अगर आपको फ़ोन में हो जाए तो इसे समाधान किस तरह से कर सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि इसे घर पर करके देखना चाहिए। ठीक है, तब आप इसे शॉप ले जाइए ठीक करने के लिए। तो देख लीजिए गाइस, बिल्कुल फ्री है, जो कि मैं आप लोगों को अभी सिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, सिम का जो आइकन जो है वहाँ पर कट का निशान है, जो कि सिम डाला हुआ है हमारे फ़ोन पर, फिर भी जो है सिम नहीं बता रहा। तो देख लीजिए गाइस, तो कुछ ट्रिक को आपको फॉलो करना है यहाँ पर, और अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर आप सही कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर सिम आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इसी प्रकार से, और यहाँ पर आपको गाइस मॉडल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा अपना इस फ़ोन का। तो चलिए गाइस, पहले हम अपना सिम को जो है निकाल लेंगे। ठीक है, सिम को हमको निकाल लेना है। अगर निकालने के बाद मैं आपको अभी आपको आगे का ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, वीडियो में बहुत ही नॉलेज वीडियो है, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर। और इसी तरह का बहुत सारे मोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। तो देख लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार का पतला सा सुई ले लेना होगा। देख लीजिए, एक छोटा सा पतला सा सुई आपको ले लेना है, इसमें जो सिम को जो आप कनेक्टर देख रहे हैं गाइस, सिम को जो छः लेग्स आप देख रहे हैं, छः पॉइंट्स देख रहे हैं, और पॉइंट्स को आपको हल्का हल्का सा ऊपर की ओर उठाना है। देख लीजिए गाइस, जिस तरह के मैं उठा रहा हूँ इसको, हल्का हल्का सा आपको सावधानी पूर्वक जो ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पर कुछ हल्का हल्का सा चाड़ के ऊपर उठा रहा हूँ, जो कि इसकी वजह से भी हमारा सिम जो सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो पहले हम इस ट्रिक को आजमा करके देख लेंगे गाइस, और आपको पूरा सा अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पर जो है पॉइंट्स को जो है उठा लेना है। ठीक है, देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आपको पॉइंट को अच्छे तरीके से उठा लेना है। उठाने के बाद मैं इसमें जो है सिम लगा कर फिर आपको दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए गाइस, कुछ इसी प्रकार से स्क्रीन को जो थोड़ा सा आपको दबा देना है, थोड़ा सा स्क्रीन को जो है आपको थोड़ा नीचे की ओर थोड़ा सा दबा देना है आपको। ठीक है, ताकि हमारा सिम जो है अच्छे से बैठ जाए, टाइट फिटिंग हो जाए। ठीक है गाइस, देख लीजिए, मैं यहाँ पर जो है आपको सिम डाल के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पर सिम को लगा रहा हूँ अपने फ़ोन पर, थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की ओर नीचे की ओर दबा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिम को अच्छे तरीके से डाल लेना है, और डाल लेने के बाद गाइस देख लीजिए, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि सिम हमारा जो है वो नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसकी आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पर सिम को डाल रहा हूँ अभी, सिम ट्रे पर जो है हमको सिम को डाल लेना है अच्छी तरीके से। देख लीजिए, मेरे पास सिम है जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन आपको यहाँ पर सिम को अच्छे तरीके से डाल लेना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दबा दिया हूँ, इस टीना को जो है ज़्यादा दबा दिया तो थोड़ा सा हमको उठाना पड़ेगा ऊपर की ओर, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पर सिम डाल लिया हूँ, और सिम डालने के बाद मैं अभी बैटरी लगा कर जो अभी चेक करने वाला हूँ कि इसमें हमारा सिम जो है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए गाइस, मैं यहाँ पर बैटरी डाल लिया हूँ अपने फ़ोन पर, और बैटरी डालने के बाद गाइस मैं भी आपको फ़ोन को जो है चालू करके दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो, अगर आप किसी भी चीज़ का होलसेल रेट प्राइस जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब किसी भी कोई भी फ़ोन या कोई भी मोबाइल का पार्ट्स यानी बैटरी, चार्जर, हेडफोन, कुछ भी आपको, जैसे कि डिस्प्ले टच हो गया गाइस, रिंगर, स्पीकर, माइक, डिस्प्ले टच, कुछ भी आपको अगर प्राइस की जानकारी लेना हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा सिम सपोर्ट भी हो चुका है, नेटवर्क भी जो है आ चुका है हमारे फ़ोन पर, तो है ना गाइस कमाल का ट्रिक। अगर आप इस चीज़ को अगर किसी भी शॉप या किसी भी रिपेयर शॉप ले जाते हैं इसे रिपेयरिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। इसी छोटे मोटे समस्या को हल करने के लिए आपको कुछ पैसा वहाँ पर पे करना पड़ता है, जो कि 100 या 150 रुपये आपको पे करना पड़ता है। तो आपको कहीं पैसों से देने की ज़रूरत नहीं है गाइस, अभी इसे घर पर आसानी से इस ट्रिक को फॉलो करके जो है इसे आसानी से इस समस्या का जो समाधान कर सकते हैं। देख लीजिएगा, चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन हो, अगर सिम सपोर्ट नहीं करे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिएगा, मुझे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।